दोस्तों, जब से हमारे देश को नए CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले हैं, तब से कई नए रिकॉर्ड बन चुके हैं और कई पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। और जब से CJI आए हैं, तब से कई तरीके के जो बदलाव हैं वो हम सबको देखने को मिले हैं, चाहे वो मुकदमों को लिस्टिंग करने का मामला हो या फिर अदालत में तारीख पर तारीख वाली जो छवि हो उसको खत्म करने की बात हो। हर किसी चीज को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नए नए फैसले लिए हैं और उन सभी लोगों को राहत देते हुए ये कहा है कि जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की छवि बनी हुई थी वो हम मिटाना चाहते हैं। जो लोगों को इंतजार करना पड़ता था कि न्याय पाने के लिए, उनको दर दर भटकने के लिए तारीख पर तारीख, एक के बाद एक कई साल लग जाते थे, उस चीज को हम खत्म करना चाहते हैं और जल्द से जल्द सभी लोगों को न्याय देना चाहते हैं। इसके लिए 4 दिनों के अंदर 1800 केसेस का निपटारा किया गया और उसके बाद 14 दिनों के अंदर जो है 4000 केसेस का निपटारा CJI के द्वारा किया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने लिस्टिंग करने की जो प्रणाली बनाई उसके तहत ये सारा का सारा काम सभी लोगों को विभाजित किया गया और उसके बाद आसान हो गया। यानी काम को अगर बांट कर किया जाए तो वो जल्दी और कम वक्त में निपट सकता है, ये CJI ने बताया। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और ये कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे उनकी क्या जो मंशा है वो आपको बताएंगे। दरअसल CJI यानी UU ललित, उदय उमेश ललित, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने ओडिशा के सभी 30 जिलों में अब 34 पेपरलेस न्यायालयों का उद्घाटन कर दिया है। यानी अब अदालतों में पेपर नहीं ले जा सकते हैं, यानी पेपरलेस पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है और डिजिटल के माध्यम से ही अब 30 जिलों में 34 पेपरलेस न्यायालयों में सारी की सारी सुनवाइयां की जाएंगी। अब इसका जो उद्घाटन है वो आज CJI के द्वारा किया गया। दरअसल ओडिशा न्यायिक अकादमी कटक में आयोजित कार्यक्रम में ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर जस्टिस S. मुरलीधर, जस्टिस S. तलापात्रा, उच्च न्यायालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के बाकी न्यायाधीश शामिल थे। इसके अलावा उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ओडिशा के उच्च न्यायालय की विशेषता वाले 6 पिक्चर पोस्ट कार्ड के साथ एक विशेष डाक कवर और रद्दीकरण कैसेट जो है वो भी जारी किया गया। इस मौके पर CJI ने सभा को संबोधित करते हुए कई जो है बातें वो उन्होंने सामने रखी। यानी अभी तक ये भी एक सबसे बड़ी समस्या थी कोर्टों में कि इतनी ज़्यादा फाइलें हो जाती थी कि उनको रखने के लिए जगह नहीं होती थी। कई फाइलें जो हैं वो मिसिंग भी हो जाती थी कि फाइलें ना मिलने की वजह से केस लटक जाता था। लेकिन अब ये जो कदम नए CJI की तरफ से उठाया गया है, यानी सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल होंगी और पूरी तरह से 30 जिलों की जो अदालतें हैं उनको पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है और ये एक मॉडर्न भारत की, नए भारत की एक नई उपलब्धि है। अब जब CJI ने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने क्या कहा वो आपको छोटे और आसान शब्दों में आपको बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत में कहा कि लीगल करियर की शुरुआत हमने जिस तरीके से की उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिनों में भौतिक अभिलेखों, पुस्तकों और टिप्पणियों के साथ व्यापक रूप से निपटने में अपने खुद के अनुभवों प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि मुझे उन चैंबर्स में लाया गया जहां पुस्तकालय में लंबे वक्त तक पर्याप्त प्रकार की टिप्पणियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, फिर उन टिप्पणियों के माध्यम से देखे कि भौतिक रूप में केस लॉ सर्च या आदि पर्याप्त जो राशि है या संबंधित केस कानून उपलब्ध नहीं था तो भारतीय विधि संस्थान जैसे पुस्तकालयों में जाना पड़ता था, ऐसे मामलों की तलाश करें, फिर फोटोकॉपी लिए और हमारे सीनियर्स को प्रस्तुत करें। इसलिए उस परंपरा को पले बड़े मैंने अपने आप में किताबों को देखने, केस लॉ को देखने की संस्कृति को आत्मसात का कर लिया था और पहले ही मैंने ये कहा था कि अगर इस पद पर मैं आऊंगा तो मैं इस चीज को खत्म करूंगा। यानी उन्होंने अपने अनुभव के बारे में साझा किया और कहा कि जब मैं शुरुआत में आया था तो किसी भी केस को लेकर के अगर कोई चीज मुझे करनी होती थी, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते थे तो सबसे पहले वो फाइल ढूंढना और फिर उस फाइल से चीजें निकालना, फिर उनको फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर जाना और फिर वापस आकर उसको सामने सबमिट करना, ये इतना लंबा प्रोसेस था जो मैंने अभी तक देखा था और जो मेरे जहन
में था जिसको मुझे खत्म करने के लिए जब मौका मिला तो मैंने ये काम किया। इतना ज्यादा वक्त उधर ना लगा करके हम वो वक्त कार्रवाई पर फैसले में दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही सीजेआई ने एक दशक पुराना किस्सा भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले एक सीनियर वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे, तब 10 साल पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अदालत में पेश हुआ था जहां उस प्रथा के अनुरूप और उस शैली के अनुरूप मैं 10 किताबें 3 या 4 खंड पेपर बुक ले गया था और न्यायाधीश बस स्क्रीन पर उनके समान बैठे हुए थे। इससे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर मुरलीधर की ओर इशारा करते हुए सीजेआई ने तुरंत कहा, हाँ आपने बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगाया है कि न्यायाधीश कौन थे। इसने सभा में तालियों की गड़गड़ाहट को आकर्षित कर दिया। मैं प्राचीन लोक कथाओं के एक व्यक्ति की तरह महसूस करता था जो एक आधुनिक व्यक्ति के सामने मौजूद था और मैं जो कुछ भी था मुझे लगा कि शायद उसकी केस फाइल में केवल केस पेपर हो सकते हैं, इसलिए जो उदाहरण जो मैं अदालत के सामने रखने जा रहा था शायद उन्हें लाइब्रेरियन की सहायता की आवश्यकता हो। जिस क्षण मैंने प्रशस्ति पत्र दिया वो वहां था और वो कहते थे पैरा इत्यादि को देखो, तो ये तकनीक का लाभ है। उन्होंने आगे कहा कि जस्टिस M.R. शाह ने स्वीकार किया कि उन्होंने अब डॉक्टर जस्टिस चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और मैं यह दावा नहीं कर सकता इन दो सज्जनों की तुलना में मैं अभी भी नर्सरी स्कूल में हो सकता हूं। प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता, उन्होंने कहा यह भी कहा है कि जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसमें हमें भी टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको छोड़कर हमें भी कम वक्त में अच्छी चीजें करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कागज के आविष्कार ने आधुनिक पश्चिमी दुनिया को हमारे देश की तुलना में एक विशिष्ट रूप से लाभप्रद स्थिति में डाल दिया। अब घड़ी एक अलग दिशा में जा रही है, अब हम कागजी काम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फायदे कई हैं। ये COVID-19 महामारी की स्थिति ने हमें खुद को बदलना, खुद को आधुनिक बनाना और खुद को संशोधित करना सिखा दिया है। इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि तिरुचिरापल्ली के एक छोटे से शहर से फाइलिंग हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में कागजात सीधे दायर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शायद भौतिक फाइलिंग के लिए संबंधित सज्जन को दिल्ली की यात्रा करने और फिर कागजात दाखिल करने की आवश्यकता होगी। तकनीकी लाभ और प्रगति ने इसे बहुत आसान बना दिया है। ओडिशा हाईकोर्ट की प्रशंसा CJI ने की और कहा कि ये जो कदम उठाया गया है, इस जगह अपनी पिछली यात्रा पर मैंने देखा कि किस तरीके के काम चल रहे थे और शायद जो अभी भी पूरे भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में चल रहा है। आमतौर पर हर कोर्ट में कोर्ट का अंडर बेली रिकॉर्ड रूम होता है, क्या आपने कभी रिकॉर्ड रूम का दौरा किया? ये चूहों से भरा हो सकता है और शायद मुझे लगता है कि ये नौकरी में किसी के लिए एक यातना हो सकती है। ये वो अंडर बेली है जो अब पूरी तरह से अलग आकार ले चुकी है। मेरी पिछली यात्रा ने मुझे दिखाया कि रिकॉर्ड कैसे रखा जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। लगभग कुछ हफ्ते पहले जब डॉक्टर जस्टिस मुरलीधर ने मुझे बताया था कि वो अब ओडिशा के 30 जिलों में पेपरलेस कोर्ट होने जा रहा है, तो मैंने कहा कि इस आदमी ने इसे फिर से किया है। प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में CJI ने बातें की। इसके अलावा बहुत सी चीजें थी जिसके बारे में CJI ने बात की, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो फोकस था वो इसी चीज पे था कि कम वक्त में कैसे हम ज्यादा लोगों को न्याय दे सकें ताकि लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर और ज्यादा बढ़ सके और जहां से सबको उम्मीद होती है यानी सुप्रीम अदालत, वहां पर लोगों का विश्वास, उनका भरोसा, उनका यकीन और ज्यादा कायम हो सके। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर CJI के इस नए फैसले पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।